जब सब प्रकार की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो वो साक्षात्कार करने में सफल हो जाएंगे। तो ये है साक्षात्कार की रीति, इसी के लिए आपका अवतार हो रहा है भगवान। तो आप जगत के कल्याण के लिए अनेकों अवतार धारण करते हैं, और ये जो आपके अवतार हैं ये कोई कर्मों का फल भोगने के लिए जीवों का जैसे जन्म होता है वैसे नहीं होता, ये केवल आपका बिना विनोदम विर्तर्क तर्कयाम है, केवल लीला मात्र कैवल्यम, विनोद के लिए आपका अवतार होता है। और इस अवतार से ये लाभ होता है कि लोग आपकी अपने स्वधर्म पालन करके अर्चना करते हैं। जब मन में ये भावना रहती कि कोई भगवान है, हमारे कर्मों का दृष्टा है, कर्मों का फल देने वाला है, तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके वेदों का अध्ययन करता है, गृहस्थ आश्रम में अपने गृहस्थ आश्रम के धर्म का पालन करता है, कर्म करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, तप करता है, और वानप्रस्थ तपस्या करता है, और ज्ञानी और सन्यासी जो है सब संन्यास लेके ब्रह्म का चिंतन करता है, ये आपके समूह साकार स्वरूप की महिमा है। इस तरह से देवताओं ने गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, और उसके बाद हाँ यदरूप यानी धम्य था, भगवान का जैसा स्वरूप था सगुण साकार स्वरूप उसका वर्णन किया, और जो उनका पारमार्थिक स्वरूप था अचिंत अव्यपदेश निर्विशेष रूप उसका भी वर्णन किया निधम, क्योंकि श्रुति कहती है यन मनसा अनुमनते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदि उपासते, जिसका मन मनन नहीं कर सकता, जो मन को मनन करता है उसको तुम ब्रह्म जानो, ये नहीं जिसकी निरंतरता तुम उपासना कर रहे हो। अनिदम जो रूप है भगवान का उसका भी वर्णन कर दिया, और वो अपनी स्वेच्छा से सगुण साकार स्वरूप धारण करते हैं उसका भी वर्णन करके, और माता देवकी से कहा कि दृष्टिया माँ तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो कि भगवान जगदीश्वर तुम्हारे पेट में कुक्षी में बैठे हुए, पर अपमानते कुक्षिगत दृष्टिया, बड़े आनंद की बात है कि परम परमात्मा तुम्हारी कुक्षी में बैठा है। ये आठवां गर्भ है, तो अब तुम डरो मत कि अब मेरे पेट में आठवां गर्भ आ गया, और आठवीं गर्भ से संस की मृत्यु आकाशवाणी ने बताई है, न जाने कंस इसका क्या करेगा। तो तुम भोजपति से मत डरो, मन से भय निकाल दो, गोप्ता यदूनाम मविता तवात्मजा, ये तुम्हारी आत्मा से उत्पन्न जो बालक है ये यदुओं का रक्षक होगा, ये कंस कुछ नहीं कर सकेगा। और ये भी कह दिया गोप्ता यदूनाम भविता, हाँ ये भोजपति जो कंस है ये देखो मरने वाला है, आठवां गर्भ आ चुका है, इसलिए तुम अब इससे मत डरो, ये तुम्हारी तो रक्षा करेगा ही, जितने भी यदु हैं जो सताए जा रहे हैं उनसे रक्षा करेगा। ऐसा कहकर देवता गण
ब्रह्मेशानम पुरस्कृत, ब्रह्मा और शंकर जी। चलो महाराज, यहां रहने का काम नहीं है। देवताओं को संदेह था कि शंकर जी रुक जाएंगे, क्योंकि ये बालक रूप भगवान के वो पास आते हैं। लेकिन देवताओं ने कहा कि अब वहां से चलिए, भगवान को जन्म लेने दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे। ऐसा कहकर देवा एयुदिवम देवता वहां से अपने लोक में चले गए। पृथ्वी को उन्होंने आश्वासन दे दिया कि अब चिंता मत करो, अब भगवान के अवतार लेते ही तुम्हारा भार दूर हो जाएगा। बस आज इतनी ही कथा कहकर पूर्ण करते हैं, कल आपको भगवान के जन्म की कथा सुनाई जाएगी। श्री राम जय राम, जय श्री राम जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुले चलोगे, जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद नामो धर्माधरति, गोविंद नामो धर्माधरति, हे कृष्ण हे या दव हे सखेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का को माता की को हत्या, हर हर महा।